गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग के साथ। और मैं उठ चुकी हूँ, मैं आई हुई हूँ अपने मायके और हो रहा है 12:15। मैंने ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, मम्मी बना लिया नाश्ता, अब मैं करूँगी नाश्ता। उसके बाद आज मैं कराने जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन, जो कि भैया आ रहे हैं करने के लिए अभी घर पर। इनका नाम है हिमांशु और जब वो आएंगे उनसे आपको मिलवाते हैं। बाकी तो मैं अभी उनका वेट कर रही हूँ, तो अभी वो आ ही रहे होंगे, 12:15 हो गए हैं। वैसे तो हम वैसे उन्होंने बोला था कि मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा, तो मैंने उनको बोला कि कोई नहीं आप रिलैक्स होकर आना, 11 से 12 बजे तक आ जा रहा। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मैंने उनको कॉल किया 11 बजे, भैया आप कहाँ पहुंच गए? तो वो कहते हैं कि मैम आपने ही तो बोला था कि रिलैक्स होकर आना, 11 से 12 बजे तक आ जाना, तो मैं रिलैक्स होकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप रिलैक्स होकर आओ, बट आओ तो सही। क्या यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट थोड़ी कम है, बाहर का धूप दरवाजा खुला हुआ तो धूप आ रही है, तो उस वजह से फेस थोड़ा अजीब सा आ रहा है। वैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, आपको तो पता ही है। तो बाकी जो भी है, मैं उठ चुकी हूँ, अब मैं करूँगी नाश्ता। तब तक भैया भी आ जाएंगे और अभी मम्मी नाश्ता बना रही है, ये सो रहा है। और मैं स्कूबी क्या कर रही है, स्कूबी दिखाती हूँ मैं आपको। का कर ले तू? गुड मॉर्निंग बेटी, का कर ले आप? ओ दीदी ने आपको बांध दिया, आप शरारत कर रहे थे ना, इसलिए दीदी ने आपको बांध दिया। मेरी बेटी क्या कर रहे हो आप? इधर दो अपना हैंड, दो मुंह पे नहीं लगाना, मुंह पे नहीं लगाना, इधर आओ मेरे पास, बैठो नीचे, बैठ जा मेरी बेटी, बैठ जा स्कूबी, बैठ के दिखा दे बाबू को, बैठ जा स्कूबी, बैठ जा। अब नहीं सुनेगी ये ढीठ कहीं की, बहुत अच्छा बच्चा है वैसे। स्कूबी की मम्मा आ गई, स्कूबी जब इसको ऐसे बोलते हैं ना तो ये सच्ची में ऐसे मतलब देखती है दरवाजे की तरफ, यहाँ से मम्मी आ रही है, देखो स्कूबी की मम्मा आ गई, स्कूबी की मम्मा आ गई। और जब मम्मी को ऐसे बोलते हैं ना ये मेरी मम्मी है, तो भौंकने लग जाती है कि नहीं मेरी, मतलब ये बोलती है कि मेरी मम्मा है। बहुत सब समझते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी बच्ची स्कूबी, सबको इतना ज्यादा प्यार करती है, ये देखो हामी बच्चा। और जब भी मैं आ जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही पकड़ती है, ताकि मतलब इसको लगता है कि वापस जाएगी, तो इसको डर लगता रहता है। चल पागल सा, ये अंश ये सो के उठा है अभी। यहाँ पे लाइट अच्छी है, मेरी मम्मा नाश्ता बना रही है। ओ किचन में लाइट अच्छी थी ना, यहाँ पे तो कितने गंदा सा लग रहा है, काली सी लग रही है। तो तब तक मैं वेट करते करते भैया का नाश्ता कर लेते हैं, चलो तब तक वो आएंगे, उनको खिला देंगे, कुछ मंगा देती हूँ उनके लिए कुछ। बाकी मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मिलते हैं चलो आपको ब्रेकफास्ट के बाद, फिर मैं आपको दिखाऊँगी अपने नेल एक्सटेंशन, ठीक है? चलो बाय। तो भैया आ गए हैं नेल एक्सटेंशन करने। हाय मानशु भैया, मास्क उतार के करो ना ताकि लोग पहचाने आपको। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? कुलदीप। ओके, आप कहाँ से आए हो? साकेत से ना, इतनी दूर से। चलो वैसे आपका मतलब यही खाली यही काम है? ये हमारा नेल एक्सटेंशन का है। आई लैशेस का भी है? अभी कर दो कि वैसे मैं कराऊं तो? अच्छा चलो, कैसा लगा वैसे आपको? बहुत दूर है? चलो अभी भैया डिजाइन निकाल रहे हैं मेरे लिए कि मुझे क्या कराना है, बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेल एक्सटेंशन करा के। आई होप वैसे तो अच्छा ही करेंगे, दर्द मत करना बस। चलो ठीक है फिर आपसे मिलते हैं। गाइस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस पैरों पे हो रहा है। पैरों पे ये है कि मैं सिर्फ नॉर्मली परमानेंट नील पेंट लगवा रही थी, नील एक्सटेंशन नहीं कराया। बाकी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, बाद में दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा काम किया सच्ची में भैया ने, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगी और आप रील्स भी जाके चेक करना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालूंगी अपने न्यू नेल्स के साथ। बाकी मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, लास्ट में ब्लॉग जब आप लास्ट में दिखाऊंगी, तो इसलिए आप ब्लॉग पूरा देखना। और जिनको भी कराना हो तो आप मुझे लिंक कर लेना नेक्स्ट, मुझे मत करना, मुझे मैसेजेस नहीं देखती डायरेक्ट। भैया आपने अपना डाला हुआ है ना कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्ट भैया को, नेल्स दिख जाएंगे, आप डायरेक्ट भैया को कॉल करना, ठीक है भैया? डाल दिया। नहीं सच्ची में गाइस, इन्होंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत सुपर्ब काम किया है, आई एम इन लव इनके काम के साथ। अब मैं हर टाइम आपको कांटेक्ट करूंगी, ठीक है? मतलब मेरे मन में ना कोई डिजाइन नहीं था, तो भैया ने खुद से ही काम किया, लेकिन जो भी किया है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग किया है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना प्रीटी और नीट वर्क किया है ना सच्ची में,
तब मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप भी कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा नेल एक्सटेंशन। बट मुझे गुस्सा आ रहा है भैया के ऊपर, क्योंकि भैया कुछ खा नहीं रहे हैं। मैंने जब से आया मैं तब से बोले जा रही हूँ ये मंगा दो वो मंगा दो, बट भैया कुछ खा ही नहीं रहे। हाँ इन्होंने समोसे मांगे थे, लेकिन यार हमारे यहाँ पे इस टाइम नहीं मिलते, शाम को मिलते हैं। तो इन्होंने इन्होंने पक्का बोला कि जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खा के जाएंगे, ठीक है? पक्का प्रॉमिस करो, बोलो मिठू प्रॉमिस। हाँ तो गाइज ये ब्लॉग पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भैया को कांटेक्ट करना। अभी जब आप मेरे, ये तो नॉर्मली है, जब आप मेरे हाथों का वर्क देखोगे ना तो सच्ची में आप खुद ब खुद कॉल करोगे भैया को, और मतलब मुझसे ही, जैसे मुझसे ही मैसेज करोगे ऐसे तो। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे मैसेज ना करके भैया को डायरेक्ट कॉल कर लेना, कि जहाँ मर्जी आ जाएंगे ना भैया, कोई भी दूर देश में बसे हो तुम, भैया वहीं पहुंच जाएंगे। देखना मैंने ये लगवाया है परमानेंट नेल पेंट, भी अच्छा लग रहा है वैसे ना, मैंने रेडी लगवा लिया। चलो फिर मिलते हैं आप, हटा दो ये वाला भैया, ये देखो गाइस, मिलते हैं आपसे आगे मतलब एक्सटेंशन हो गया है डन। तो इसमें वैसे अच्छा दिखेगा नहीं, मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं फोटोज डाल दूंगी तब आप दिखाना, दिखाना चाहती हूँ कि क्या मतलब है, बट इसमें थोड़ा ठीक मतलब आपको दिखेगा नहीं ढंग से, तो मैं इसीलिए फोटो डाल दूंगी, आप उसमें देख लेना। वैसे तो बाकी जैसे आपको दिख रहा है वैसे देख लो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, मतलब जस्ट एन अमेजिंग आर्ट, और आई एम इन लव विद दिस आर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त किया है आप। फिनिशिंग चेक कर रहे हो आप, बिल्कुल कितना स्मूथ लग रहा है सच्ची में, बहुत ज़्यादा मस्त किया। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल लुक टू माय नेल्स। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आटा झूठ, मतलब जो स्मूथनेस दिख रही है ना बिल्कुल वही, उसी की वजह से इतना प्यारा लग रहा है, और आर्ट तो हुआ ही खैर अच्छा है, मतलब क्या बोलूँ। उन्होंने, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इनसे कराया, और फर्स्ट टाइम में इन्होंने मेरी बोलती बंद कर दी है। नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा किया, थैंक यू हिमांशु वंस अगेन, और अब मैं इन्हीं से कराऊंगी, इन्हीं से ही कराती रहूंगी, और मैं आपको भी यही मतलब वो करूंगी, सजेशन दूंगी कि मतलब टचवुड मतलब बहुत ज़्यादा मस्त आपको दिख ही रहा होगा। बाकी आप भी कमेंट करके बताना, और अगर आपको भी कमेंट मतलब इनसे अगर कराना हो नेल एक्सटेंशन तो आप इनसे ही कराओ, मैं तो यही बोलूँगी आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा कराते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वाले ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी इंस्टा आईडी जो है वो डाल दूंगी, तो आप क्या है डायरेक्ट उनको कॉल कर लेना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है मतलब इंस्टा पे, तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कर लेना। बाकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग किया है सच्ची में, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। मैंने बो वाला ना जो फर्स्ट टाइम कराया, क्योंकि मेरा मन था कराने का, ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है यार, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो बाकी अभी तैयारी हो रही है, टाइम हो गया है 3:15, और अभी जा रही मम्मा बस नहा लिया, मुझे नहाना है, नहा के बस ऐसे रेडी होके जब निकलते हैं हम, क्योंकि आज उसका बान है मेरी कज़न का ना, तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, कंटिन्यू रखूँगी, तो बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। अभी अब तो मैं बाय भी ऐसे करूँगी, बाय गाइस। हेलो गाइस, तो हम आ गए, मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं आ चुकी हूँ, और ये मेरी कजन है और ये मेरा भाई है, भाई इधर आना तुम। भाई ने पानी गिरा दिया चादर पे, हेलो, ये मेरा भाई है, इसका नाम विशाल है, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। और ये मासी, यू भी कह दे सारी लड़कियां कर रही है, और ये मेरी मासी है, हाय तो बोलो, हाय। और आप भी आ जाओ ना, ओह माय गॉड, मैं तो सी वीडियो ना भेजो करने को, मैंने कहा बहू हमारी ये वीडियो बना रही है। और बताओ गाइस, तो हम आ गए जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शन पे, और ये देखो ये कुत्तिया है ना, ये बहुत कुत्ती है, ये इतनी देर से यहाँ पे आके बैठी, इसने मुझे कॉल तक नहीं किया, ये बहुत ज्यादा कुत्ती हो गई यार। तो गाइस अब हम आ गए, पीछे मामी बैठी है, हाँ ये मामी बैठी है, हाय मामी, और ये तो मेरी मामी फ्रॉम नजफ्फर, नहीं कुछ नहीं बोलना, क्यों बताना, हम कहाँ से है ना भाई, कुछ वो रह रहे दो सस्पेंस, और तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ बाकी। मिर्ची की पोती मेरा नाम दे रहा है।
आई लव यू बेटा, हाय आई लव यू। अच्छा एक बार और बोलो आई लव यू। आई लव यू ऐसे कर दो, फ्लैंक किस कर दो। ओए मां दी से कुछ पूछ। आप कोई बात नहीं करो, हम तो कह रहे हैं अंदर लेट टेक कर लो बस। मतलब लड़की की बारी चुप हो गए सारे। रेडी हे ब्यूटीफुल। अब हम इसका हम सत लगे इसका आरता करें। चलो फिर आगे दिखा। ये हुआ फोटोशूट, बहुत ही जटिल नट जी बताती हूँ। क्या चाहिए आपको? आपको मम चाहिए और मासी को किसी करो पहले। मैं को इधर 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 दो ना, मासी को करो इधर। देखो मासी कहाँ है, किसी करो जल्दी, किसी करो मासी को। ऐसे करके, ऐसे करके करो, मुझे करो इधर करो। हाँ बोलो हाय गाइस, बोलो आई लव यू, बोलो आई लव यू मासी। ओए वाह शर्मा गया। चलो मासी आपको मम देगी, मम चाहिए ना आपको। तो अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। तो अब मिलते हैं आपसे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और ज़रूर बताना कि मैंने नेल एक्सटेंशन कैंसिल किया। थैंक यू सो मच हिमांशु, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे नेल एक्सटेंशन। तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल नेल्स और थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।